हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अज्जु नमो किचन से मैं नमो। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर मंचूरियन की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर रहता है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। तो चलिए फटाफट से हम अपने पनीर मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पनीर मंचूरियन के इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं क्या क्या लिए हैं मैंने। सबसे पहले तो ये पनीर लिया है मैंने, ये 500 ग्राम है पनीर, और इस पे बड़े आराम से 5 से 7 लोगों के लिए पनीर मंचूरियन बन जाते हैं। इसके लिए अब हमें पनीर को लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लेना है। देखिए पनीर को कितनी अच्छी तरह से मैंने ऐसे लंबी लंबी स्लाइसेस में कट किया है। अब हमें एक बड़ा बॉल लेना है, कोई बड़ा सा बर्तन, उसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों की क्वांटिटी बराबर डालनी है। मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है, दोनों की क्वांटिटी मैंने एक बराबर रखा है, दोनों को 50-50 ग्राम लिया है मैंने। ध्यान रखें दोनों की क्वांटिटी एक समान रखें। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों की क्वांटिटी बराबर लेने के बाद अब हम इसमें मसालों में सबसे पहले 1 चम्मच डालेंगे सेजवान सॉस, उसके बाद 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप इसमें अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके, नहीं तो उसे अच्छी तरह से कूट के डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेना है हमें। बैटर हमें इसका ना तो ज़्यादा पतला तैयार करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा तैयार करना है। बैटर बनाते समय पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बैटर हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर पनीर को अच्छी तरह से कोट नहीं कर पाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बैटर को हमने इतना गाढ़ा रखा है, इतना ही गाढ़ा बैटर को बनाना है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसमें पनीर को डाल के कोट करके और फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो पनीर लेना है और पनीर को बैटर में बहुत अच्छी तरह से कोट करने के बाद हमें इसमें फ्राई करना है। ध्यान दें कि पनीर हमारा चारों तरफ से बैटर में बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए, इससे क्या है फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा क्रंची रहेगा। सारे पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है, अब हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से पलट पलट के अच्छी तरह से पका लेना है, जिससे कि हमारे सारे पनीर बहुत अच्छी तरह से ये जो इनका कोट है ये क्रिस्पी हो जाए, क्रंची एकदम हो जाए। देखिए पनीर कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे एंड क्रंची लग रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे और बार बार पनीर की यही रेसिपी खाएंगे। ये बहुत ही जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी फ्लेवरफुल एंड टेस्टी है। तो चलिए फटाफट से अब हम लेट ना करते हुए इनकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें एक पैन लेना है, पैन में हमें 1 टीस्पून ऑयल डालना है और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें बारीक कटे हुए अदरक डाल देना है और बारीक कटी हुई लहसुन की कलियों को डाल देना है। ध्यान रखें पनीर मंचूरियन की रेसिपी हमें हाई फ्लेम में ही बनाना है। 10 से 15 सेकंड के लिए हमें अदरक लहसुन को भून लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, साथ ही हम इसमें बारीक कटे हुए गाजर डाल देते हैं और बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डाल देते हैं। इन सब को हाई फ्लेम में 10 से 15 सेकंड तक हमें बस पका लेना है ताकि इनका कच्चापन चला जाए, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है, जब तक पकाया है जब तक कि शिमला मिर्च और गाजर का कलर चेंज हो गया है बस। तो अब चलिए हम इसमें सारे सॉस डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, 2 चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और 2 चम्मच इसमें हम विनेगर डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम में सारे सॉस को बहुत अच्छी तरह से पका लेना है, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका ऑयल अलग नहीं होने लग जाए। इसे हाई फ्लेम में करके अच्छी तरह से पकाते रहें, चलाते रहें ताकि नीचे सॉस हमारे लगे नहीं। अब हम इसमें डालने के लिए 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें 1 कप पानी लेंगे और उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इस ग्रेवी में डाल देंगे। इससे क्या है ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है, ग्रेवी हमारी लटपट हो जाती है, जैसे वो मंचूरियन की ग्रेवी होती है उस टाइप की एकदम से लटपटी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रेवी हमारी बनी है। तो इसमें हम स्वादानुसार थोड़ी नमक डालेंगे। ध्यान रखें नमक हमें बहुत कम यूज करना है क्योंकि सारे सॉस में नमक ऑलरेडी होता है, हमने डाला है सॉस,
तो इसलिए नमक हमें कमी यूज करना है। पनीर मंचूरियन की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, देखिए है ना एकदम लटपटी मार्केट जैसी। तो इसमें हम फटाफट से फ्राई किए हुए पनीर को डाल देते हैं और इसके साथ में हम 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। पनीर के अंदर तो फ्लेवर जाएगा नहीं, ताकि इसके पनीर के ऊपर जो कोटिंग थी उसमें अच्छी तरह से इसका ग्रेवी का फ्लेवर चला जाए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए सब्सक्राइब करते समय, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। लास्ट में हम इसे स्प्रिंग ऑनियन के साथ में सर्व करते हैं। देखिए स्प्रिंग ऑनियन के साथ सर्व करते से ही ये कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही फ्लेवरफुल लग रही है। हमारे तो मुँह में पानी आ रहा है, इसलिए फटाफट से मैं जा रही हूँ इसे खाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर पता चले। और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। Oh,